अगर आप BMS के बाद PG करने का प्लान कर रहे हैं, पर ये प्रॉब्लम है कि आपको PG प्रिपरेशन करनी कैसी है, अगर आपके मन में ये डाउट है कि कब PG की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या बुक्स पढ़नी है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ कि PG की प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा, आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि PG की प्रिपरेशन कब शुरू करें, क्या क्या सिलेबस है उसका, क्या एग्जाम का पैटर्न है और क्या बुक्स आपको रेफर करनी है। तो मैं इस वीडियो को तीन पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। सबसे पहला है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, दूसरा है सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन और तीसरा है नोट्स एंड बुक्स। आपको कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी है और कैसे कैसे नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। तो PG का एग्जाम होता है AIA PGET। इस एग्जाम में आप BMS करने के बाद इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस साल में एक बार ये एग्जाम होता है एंड इस एग्जाम को BMS जब आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तब आप दे सकते हैं, क्योंकि इसका रूल है कि जब आपकी काउंसलिंग होगी तब तक आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपका BMS कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये इसका एक रूल है। पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होता है, इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कोई भी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ MCQ क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करने होते हैं एक OMR शीट में। अगर आप MO का एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर आपका इंटरव्यू होता है, बट इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता, ये डायरेक्ट एग्जाम होता है जिसमें MCQs आते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं कि आप उसको पढ़ना कैसे है, PG की प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो इसके लिए सिलेबस क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर जितने भी CCIM के अकॉर्डिंग BMS का सिलेबस है वो आपका PG का सिलेबस भी है। तो आपको यही सिलेबस कंटिन्यूसली पढ़ना है, फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर जो भी स्टडीज है इसको पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अब शुरू कब करना है आपको। आप ये मत सोचिए कि जब आप अपनी PG की प्रिपरेशन करना है तो इंटर्नशिप टाइम में करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आप इंटर्नशिप टाइम में एक साल के टाइम पीरियड में 5 साल की पढ़ाई करेंगे तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिपरेशन अपनी पहले ईयर से ही शुरू कर दें। जो भी चीज़ें आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको वहीं पे आप हाईलाइट करके मार्क करके इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद करना शुरू कर दें। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ट्रिक यूज़ करनी चाहिए जिससे आप अच्छे मेमोराइज कर सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या है मेमोराइज करने के लिए, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप फर्स्ट ईयर से ही जो आप स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं या डेली 1 चैप्टर पढ़ रहे हैं या 2 घंटा पढ़ रहे हैं, जितना भी टाइम पढ़ रहे हैं, आप डेली स्टिकी नोट्स बनाना स्टार्ट करें। उन स्टिकी नोट्स में क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको लिखना शुरू करें। जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, पॉइंट्स मिलते हैं, कोई टाइप्स मिल रहे हैं, उन सबको आप लिखें और अपने सामने उसको चिपका दीजिए। डेली आप 5 to 10 स्टिकी नोट्स बनाइए जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है। उसके अलावा जो बुक में आपको इंपॉर्टेंट है उसको डेली हाईलाइट करें। अब आपको करना क्या है, जो आपने स्टिकी नोट्स बनाए हैं इसको आपको डेली जब भी आप पढ़ने बैठेंगे सबसे पहले इनको पढ़ना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में 5 जैसे स्टिकी नोट्स हैं आपके पास, 10 स्टिकी नोट्स हैं तो उसको आपको पढ़ने में 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, बट 50 दिन बाद 60 दिन बाद वही आपके पास बहुत सारे होंगे। और इन्हीं स्टिकी नोट्स में से आप हमेशा याद रखें, आपके 40% क्वेश्चन आने वाले हैं PG में। तो इसकी प्रिपरेशन आप पहले से ही शुरू कर देंगे और कई सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप मोर देन 100 टाइम्स पढ़ चुके होंगे। और अगर आप शुरू से ही करते हैं तो मोर देन 500 टाइम्स आप इन नोट्स को पढ़ चुके होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप उसके अलावा नोट जरूर बनाएं जो आपको इंपॉर्टेंट बाकी चीजें रखनी है, अपने एक नोटबुक में लिखें, बट हमेशा याद रखें हर कोई डेली नोटबुक नहीं खोलता है, तो इसको भी ध्यान रखें। जो इंपॉर्टेंट है उसको स्टिकी नोट्स बना के आप लिखना शुरू करें, ईयर वाइज सेग्रीगेट करें और उसको पढ़ते जाएं। ये दोनों तरीके से आपको हेल्पफुल रहेगा, एक तो PG प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा, दूसरा जो आप डीप नॉलेज पढ़ना चाह रहे हैं, जो आप BMS की प्रिपरेशन करें उसमें भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसकी प्रिपरेशन आपको पहले से ही करते हैं तो काफी बेनिफिशियल इसमें रहेगा आपको। हमेशा आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आप स्टडीज कर रहे हैं उसके साथ डिसिप्लिन से और एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी से आपको डेली पढ़ना है। अगर आप ये चीज़ रूल फॉलो करेंगे, चाहे आप 2 घंटे डेली पढ़ें, अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी BMS करने में या PG की प्रिपरेशन करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा आपको क्या करना है, आप जो भी आपके सीनियर्स हैं जो PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फॉलो करें, उनसे पूछें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्योंकि हम जब अपने एज अ नॉर्मल हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं BMS के लिए, हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उसको मिस कर देते हैं, बट आपके सीनियर
आपके टीचर्स आपको ये चीज़ बता सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप मार्क करें, उसको हाईलाइट करें, उसको लिख के रखें, स्टिकी नोट्स में रखें। उसके अलावा आप कोचिंग ज्वाइन, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप फर्स्ट ईयर से ही कोचिंग ज्वाइन अपनी कर लें, क्योंकि वो दोनों चीज़ में आपको हेल्पफुल रहेगी और बहुत अच्छी आपकी नॉलेज उससे हो सकती है। ज़रूरी नहीं है इसमें पीजी प्रिपरेशन के लिए आपको श्लोक सारे याद करने पड़ेंगे, आपको श्लोक याद करने ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट होते हैं श्लोक्स में, उनके रेफरेंसेज इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस चीज़ से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट कि हमें नोट्स क्या बनाने हैं, कैसे करने हैं। मैंने मेमोराइज की एक ट्रिक बता दी है, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। तो बुक्स हमें मेनली तीन बुक्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय हम फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, चरक संहिता फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर से हम चरक संहिता पढ़ना शुरू कर देते हैं, और फाइनल ईयर में सुश्रुत संहिता पढ़ाई जाती है। तो इसको आपको डीपली पढ़ना है, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है इन संहिताओं को। उसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट बुक है उनको भी अच्छे से पढ़ना है, उनको मेमोराइज करना है, उनके ट्रिक्स बनाना है, निमोनिक्स बनाना है, उनको भी अच्छे से आपको पढ़ना है। इसके बाद आती है आपको क्या क्या चीज़ें पीजी के लिए अलग से बुक्स को पढ़ना है। मैं सिंपल एक बुक रिकमेंड करूंगा, अगर आप अभी बीएमएस ही कर रहे हैं तो आयुर्वेद संग्रह बुक आती है जो डॉक्टर गोविंद पारेख जी की है, वो आप बुक पढ़ना शुरू से ही स्टार्ट कर दीजिए। उसके अंदर 500 समथिंग पेजेस हैं, अगर आप डेली एक पेज भी पढ़ते हैं तो वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको पढ़ना है। उसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, मॉडल पेपर्स आते हैं उसको लगाने हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आते हैं जो उसी बुक के लास्ट में दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको धीरे धीरे उसको भी लगाना शुरू करना है अपने सब्जेक्ट वाइज जो आप पढ़ते जा रहे हैं, तो इसका प्रिपरेशन पहले से ही रखना है। इसके अलावा बहुत सारी एमसीक्यू बुक्स हैं जिसके बारे में एक अलग से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कौन कौन सी बुक्स आपको रिक्वायर्ड है अलग से पीजी प्रिपरेशन के लिए, एमसीक्यूज के लिए और क्वेश्चंस लगाने के लिए उसको क्या क्या बुक्स यूज़ करनी है, तो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आपको एक स्ट्रक्चर देना चाहता हूं मैं, कैसे आपको पीजी प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या रिक्वायर्ड है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं देख रहा हूं लास्ट वीडियोस में लोग वीडियोस तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी वीडियो बीएमएस से रिलेटेड या आयुर्वेद से रिलेटेड मिस ना करें। और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी पीजी प्रिपरेशन करना चाहते हैं पर डाउट में हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।